हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। यार, लास्ट क्लास में आपका मैंने बिजनेस मैथ में एपी का नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था। लास्ट क्लास हमने एपी का एनिथ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। आज टास्क भी आप लोग को उस दिन दिया था और बताया था क्या चीज की, देखिए आप लोग टास्क बना करके हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आप अपने चैट बॉक्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपने नहीं किया यार, कुछ कुछ लोगों ने किया, थैंक यू। एक चीज और बोल रहा हूं, देखिए यार, पता है एफर्ट लगाइएगा ना तभी बनेगा। और सोचिएगा ना क्या चीज कि चलिए रिलैक्स रहते हैं, आराम से कभी भी वीडियो देख लेंगे, तो वहां पे आपका दिक्कत है। डेली वीडियो देखिए, डेली टास्क को कंप्लीट कीजिए। थर्ड ईयर यार ना बहुत ज्यादा एडवांस बना देंगे। प्रॉब्लम कहीं भी होगा ना, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाएंगे बुक से ही, जो बुक आपका सिलेबस में है। ये नहीं कि मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन, अब आप पर्सनल बुक से और पर्सनल नोट से क्वेश्चन बना रहा हूं, आपका बुक से हमारे पूज्य राइटर गुरुजी डॉक्टर बी एन गुप्ता का बुक, समझ में आया, बिजनेस मैथमेटिक्स बी एन गुप्ता का बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से पूरी तरह से एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा, समझ में आया। और मैक्सिमम जितने फ्रेंड है ना, सोच रहे क्या चीज की पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टडी मटेरियल लॉकडाउन में कहां से आएगा, उनको पता, आप हमारा एप्स शेयर कर दीजिए, समझ में आया। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एप्स है। और पता है एक बात, आपका क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल सेट टेस्ट सीरीज, आपका एक एक चैप्टर का प्रॉपर वीडियो, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, समझ में आया। और एकदम बेस्ट है, तो मैक्सिमम फ्रेंड को बोलिए इंस्टॉल कर लो, बहुत काम का एप्स है, ठीक है। आज चलते हैं एपी के तरफ। एपी का आपका बीएन गुप्ता का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आज के वीडियो में हम आपको डॉक्टर बीएन गुप्ता का एक्सरसाइज 1A अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो 1A बताने वाला हूं, मतलब आपका एक्सरसाइज 1A, ठीक है। एक एक प्रॉपर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। आप एकदम वीडियो को प्रॉपर देखिए अच्छे से, और कहीं डाउट हो ना आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल भी आपका है सारा अपलोडेड, क्वेश्चन बैंक भी अपलोड होगा, जा करके फोल्डर को चेक कीजिए यार, मैक्सिमम फ्रेंड तक पहुंचाइए, समझ में आया। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्ज, यहाँ पे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है, समझ में आया। तो चलते ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 डॉक्टर बीएन गुप्ता के बुक से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिएगा, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, इधर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 6th एंड 19th टर्म ऑफ द सीरीज 10, 8, 6, 4। एक सीरीज दिया हुआ है 10, 8, 6, 4 और बोल रहा है क्या कि इस सीरीज का 6th टर्म क्या होगा और 19th टर्म क्या होगा, मतलब 6th टर्म क्या होगा और 19th टर्म क्या होगा, आप हमें निकाल करके दिखाइए, ठीक है। अभी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अच्छे से सीरीज को लिख लेंगे। सीरीज क्या दिया हुआ है, 10, सेकेंड 8, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 4, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये लगातार ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। आपका काम क्या था, सबसे पहले वर्किंग नोट लिख लेंगे, हम लिखेंगे A बराबर, A मतलब फर्स्ट टर्म, A मतलब क्या चीज, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे A बराबर क्या दिया हुआ है, 10, A बराबर क्या दिया हुआ है, 10, तो 10 लिख दिए। आगे डी, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर कॉमन डिफरेंस क्या बताए थे, फॉरवर्ड टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कोई भी आगे वाला टर्म उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए भी, ये बोल सकते हैं ए टू माइनस ए वन, या फिर फॉरवर्डिंग टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी आगे वाला में सोकर जस्ट के पिछू वाला के घटा दीजिए ना, आपका डी निकल जाएगा। तो यहां पर हम ए टू ऐसे माइनस करते हैं, जस्ट आगे वाला 8
और उसमें से माइनस करेंगे 10, 10 है ना, A2 माइनस A1 हमारा आ जाएगा D माइनस 2, माइनस क्या गया 2। अब नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म बराबर फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ए माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए फॉर्मूला निकल गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करते हैं पहला वाला, पहला कौन सा टर्म बोला है, छठा टर्म ना, तो ऐसे लिख देंगे T6 बराबर, पहले छठा टर्म निकाल रहे हैं, T6 बराबर ए, तो ए बराबर हमारा क्या है 10 और प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 यहाँ पे 6 टर्म है तो 6 माइनस 1, एन बराबर डिनोट होता है नंबर ऑफ टर्म जो फाइंड आउट करना होता है, तो एन बराबर क्या बोला है छठा टर्म निकाल देना, तो 6 में से 1 गया कितना बचा 5 और डी बराबर हमारा कितना था माइनस टू हाँ ना। अब एक बात देखिए T6 बराबर यहाँ पे प्लस में 10 है और 5 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस 10 और इधर आ गया माइनस 10, तो प्लस 10 और माइनस 10 आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। चलिए अगर आपको चेक करना है छठा टर्म तो दो दो से नहीं घट रहा है तो ऐसे चेक कर सकते हैं 10, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 6, चौथा टर्म 4, पांचवा टर्म 2 होगा, छठा टर्म 2 और घट गया तो 0, आंसर हमारा क्या आया पहला आंसर 0। यहां तक नो डाउट, कोई संदेह नहीं। चलिए हम लोग T19 निकाल के देखते हैं, T19 चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। हाँ गाइज हम लोग आगे चलते हैं, देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था ना, बोल रहा है आपका 19th टर्म निकालने, क्या बोल रहा है 19th टर्म निकालने। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं सेम a बराबर 10, d बराबर 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 बराबर माइनस 2 आ गया, हमको निकालना है 19th टर्म ना, तो फॉर्मूला tn का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे T19 बराबर a बराबर क्या है 10 प्लस यहाँ पे TA नंबर ऑफ टर्म 19 निकालना था ना, तो 19 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 18, ठीक है, और d बराबर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो T19 बराबर यहाँ पे प्लस में है 10 और प्लस यहाँ पे देखिए एक बात समझिएगा, 18 टू जा 36, 18 दूना 36, लेकिन माइनस में ना आ गया क्योंकि यह माइनस वाला था और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 36, 18 दूना 36 और प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -36 आया, तो T19 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा -26। क्यों -26 आया यार, एक बात बताते हैं, कॉमर्स वाले का ना मैथ वीक होता है, हम लोग सोचते हैं क्या चीज की मैथ बहुत ज्यादा एडवांस है, डरते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता यार, सबसे इजी है आपका मैथ, एक एक टॉपिक आपका इजी कर देंगे। यहाँ देखिए माइनस में 36 ज्यादा है ना, और माइनस वाला टर्म जब भी ज्यादा होगा और प्लस वाला टर्म अगर घटाएंगे, ठीक है, माइनस वाला टर्म ज्यादा होगा और प्लस वाला टर्म अगर हम घटाएंगे तो वहां पे हमारा आंसर माइनस में आया, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में 40 होता और माइनस 36 हटाते तब आंसर प्लस में 4 आ जाता, पक्का समझ में आया। चलिए ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन का दोनों 6 और 19 टर्म कंप्लीट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे बताते हैं यार, बता करके ऐसे मतलब बना करके समझा देता हूँ, क्या होता है ना ऐसे पूरा एक्सप्लेन वैसे करने में बना के वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगी, डोंट वरी। देखिए इधर जैसे यहाँ पे फाइंड द 10th एंड 8th टर्म, 8th टर्म और 10th टर्म दो क्वेश्चन यहाँ भी दिया कि फाइंड कीजिए, और सीरीज आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था 3, 7, 11 और 15, ठीक है। अब हम क्या किए, सबसे पहले सीरीज लिख दिए, सबसे पहले क्या लिख दिए सीरीज
तीन सात ग्यारह और 15। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हम लोग सबसे पहले से कर रहे हैं, ए बराबर पहला टर्म 3, डी बराबर कॉमन डिफरेंस फॉरवर्ड टर्म बैकवर्ड टर्म a2 - a1, 7 में से 3 गया 4 आ गया। क्लियर। tn का फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ टर्म बराबर a+n-1 d। ठीक है, अब फॉर्मूला t10 बराबर, दसवां टर्म निकालना था ना, तो t10 बराबर a बराबर हमारा हो गया है 3+n-1, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म जो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले बोला कि दसवां फाइंड कीजिए, तो 10 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे d बराबर 4। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए, 9 4 जा ब्रैकेट में तो मल्टीपल होता है ना, तो 9 4 जा 36 और जोड़ 3 तो 36 और 3 हमारा आंसर आ गया 39। क्लियर। यहां तक 10th टर्म निकल गया, अब हम 11th टर्म इस क्वेश्चन का निकाल के देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ यार, चलिए देखिए 11th टर्म निकालते, 11th टर्म मतलब लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं यार, एक बात बताते हैं। देखिए ऐसे बोलता था ना कि 5 नंबर बताइए, 5 टर्म बताइए, 6 टर्म बताइए, यहाँ पे आपको nth टर्म बोल दिया, कोई प्रॉपर नहीं बताया कि कौन सा nth लास्ट टर्म भी हो सकता है, nth टर्म बोल रहा है। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए आपका a बराबर 3 ही था, d बराबर 4 था। ठीक है, अब tn का फॉर्मूला लगाए हम यहाँ पे, तो tn बराबर a+n-1 d। nth टर्म, कौन सा टर्म फिक्स नहीं है, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, कहीं का भी टर्म nth टर्म बोल रहा है। ठीक है, यहां देखिए तो यहां पे tn बराबर हम लोग का a बराबर 3 था, n का नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं है तो n ही रहने दिए, -1 n-1 है ना, और d का वैल्यू क्या था 4, d का वैल्यू क्या था 4, यहां तक ओके। अब देखिए tn बराबर 3+, यहाँ पे 4n से मल्टीपल होगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 4n, 4 ब्रैकेट में n से मल्टीपल हुआ हो गया 4n, और -4 1 से मल्टीपल हुआ तो क्या हो गया 4। ठीक है, अभी एक बात देखिएगा क्या हुआ ना, यहाँ पे tn बराबर, यहाँ देखिए बच्चे -4 है, माइनस क्या है 4। ठीक है, तो -4 में यहाँ पे आगे प्लस थ्री है ना, तो -4 में +3 घटाएंगे तभी भी माइनस का 1 ज्यादा है ना, तो यहाँ पे 4n वैसे ही रह गया, और 4 में से -4 में से 3 गया घटा दिए तो -1, और tn बराबर हमारा आंसर यहाँ पे 4n-1 आ गया। क्लियर, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट। क्लियर, अभी सुनिए यार एक बात बताते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि सर को रिप्लाई क्यों देंगे, क्यों क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ भी मत सोचिए बच्चे। देखिए आपका जब आप एप्स इंस्टॉल किए, आपका हर एक, हम आपके बेनिफिशियल के लिए ऐप प्रिपेयर भी किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे 11th कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो उन सभी का कंप्लीटली चार्जेबल बेस्ड पे एक एक चीज हमारे एप्स पे अवेलेबल है। और पता है टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, आपका नोट्स, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज अवेलेबल है हमारे एप्स पे। समझ में, मैं आपके बेनिफिशियल के लिए एप्स बनाया हूँ, लॉकडाउन का टाइम है ना, क्लियर, इस कारण तो आप लोग पूरा यूटिलाइज किया अच्छे से यार, एक बात बता रहे सुनिए, और एक एक क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बताएंगे। मैक्सिमम तक ना अपने फ्रेंड तक ऐप को शेयर कर दीजिए, जो भी फ्रेंड को जान रहे हैं जिनको पढ़ना है। एक बात और देखिए यार, रिजल्ट आपका मायने रखता है थर्ड ईयर में, 4 ऑनर्स पेपर है, और सारा ऑनर्स पेपर हम आपको एकदम बखूबी एकदम अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। कभी भी टाइम मिले बैठ करके वीडियो देखिए और टॉपिक वाइज चलिए, प्रॉपर रिविजन भी रहेगा आपके पास में। समझ में आया, फायदा है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ गाइज, यह क्वेश्चन नंबर 3 के आज चलते हैं आपका nth टर्म वाला निकालने, सॉरी t निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 31st टर्म निकालने बोल रहा है, उसमें चलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका सीरीज गिवन था, यहाँ पे दिया हुआ है 1
-2 -5 -8 मतलब आगे वाला टर्म ही माइनस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा, हमने यहाँ पे सीरीज लिखा a बराबर 1, d बराबर a2 - a1, a2 था -2 और -1, ये ब्रैकेट में नहीं था, माइनस में हमारा d आ गया 3, माइनस में d क्या आ गया 3। एक बात यार देखिए, ऐसे आप लोग बोल सकते माइनस माइनस का, वो नहीं यार देखिए, अगर किसी स्टूडेंट्स का माइनस प्लस का भी गलत है तो मेरा उसमें कोई गलती नहीं है यार, उन्होंने टेंथ में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए थे, तो वापस कहीं अच्छे जगह पता कोई होम ट्यूटर को देख करके माइनस प्लस मल्टीपल ये सब का सीख सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, ठीक है। देखिए इधर तो -2 -1 यहाँ पे -3 आया, क्या आया डी बराबर -3, ठीक है। अभी देखिए Tn का फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया ना, ए यहाँ पे t 31st बराबर a बराबर हमारा होता है 1, a लिख दिए 1, n बराबर बोला था t 31st ना, तो 31 में से 1 गया 30 बच गया और d बराबर -3, d बराबर क्या था -3, तो 30 में -3 से मल्टीपल किए तो क्या आ जाएगा -90, माइनस में आया -90 और -90 में आगे +1 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है +1, ठीक है। तो 90 में से -90 में से +1 घटा देंगे तो हमारा आंसर -89 आ जाएगा, -89 आ जाएगा। यह आपका t 31st टर्म कंप्लीट। चलते हैं nth टर्म की ओर, ध्यान दीजिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का nth टर्म निकाले हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका nth टर्म बोल रहा था निकालने के लिए ना, तो यहाँ पे a बराबर 1, d बराबर -2 -1, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीपल नहीं करना, -2 है -1 माइनस करना, मल्टीपल करते तो ये प्लस में आया रिजल्ट, इसी कारण से d हमारा यहाँ पे -3 हो जाएगा, d हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और फाइंड nth टर्म बोल रहा है, अभी देखिए tn का फॉर्मूला लगाए तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी, ठीक है। तो ये a बराबर 1 था प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू गिवन नहीं था और -1 और d बराबर हमारा -3 आया, d बराबर हमारा क्या आया -3, ठीक है। अभी देखिएगा तो हम लोग इसको आगे लिखें, यहाँ पे a हम a प्लस 1 प्लस a प्लस है ना, तो 1 प्लस 3 -3 n से मल्टीपल हुआ, -3 n से मल्टीपल हुआ तो क्या आ गया -3 n, ठीक है। अब -3 और इंटू -3 इंटू, वहां पे इंटू नहीं था इसी कारण से माइनस में रह गया, इंटू -3 इंटू -1 +3 -3 इंटू -1 = +3, माइनस में माइनस से मल्टीपल होगा तो वो प्लस हो जाता है, तो -3 इंटू -1 +3 हो गया यहाँ पे। अब एक बात आप समझिए, इसके आगे देखिए हमारा यहाँ पे प्लस में 3 है, प्लस में क्या है 3 और आगे +1 है, तो 3 और जो +3 और +1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 होगा ना, +3 और +1 तो 4 हो गया, तो यहाँ पे -3 n वह रह गया और यहाँ पे सम कर दिए +4, ठीक है। आप इसको यह भी लिख सकते हैं या आपके आंसर में इस टाइप का लिखा हुआ होगा 4, आगे कुछ नहीं तो आगे प्लस होता है ना 4 और -3 n, यह भी आपका आंसर हो सकता है इसका। यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है यार। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है ना, काइंडली करके आप पता है शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, फट आप लोग के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। चलते आगे फोर्थ क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीरीज 1/3 2/3 1 एंड 4/3, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है।
अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया a बराबर 1/3 फर्स्ट टर्म, d बराबर a2 - a1, तो a2 था 2/3 और a1 था 1/3, हमारा आ गया 1/3। ठीक है, आगे यहाँ पे tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इन टू डी, यहाँ तक आपका ओके है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे अब यहाँ पे हमको t 12 तक निकालना था ना, तो t 12 बराबर a 1/3 प्लस एन माइनस वन, तो 12वां टर्म निकालना था ना, तो 12 में से एक घटा दी, 11 आ गया और d हमारा 1/3 हो गया। ठीक है, अब आगे t 12 बराबर 1/3 का 1/3 वैसे ही लिख दिए, प्लस 11 में एक से मल्टीपल किए और 3 तो नीचे था, तो यहाँ पे 11/3 हो गया, इसको सॉल्व कर दिए, 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 + 11 बराबर 12/3, 12/3 और काट करके हमारा आंसर आ गया 4। हमारा आंसर क्या आ गया? 4। जैसे समझा रहे वैसे आप प्रॉपर बनाते चलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं यार, क्यों? सारा क्वेश्चन कवर करना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 नंबर में क्वेश्चन में आपका दो क्वेश्चन दिया, पहले बोल रहा है एथ टर्म निकालने के लिए, फिर आपको बोल रहा है nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं एथ टर्म निकालता हूँ इसका। सीरीज आपका गिवन था 2, 7/6, 1/3 और -1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बराबर हमारा हो गया 2, d बराबर a2 - a1 किए, तो 7/6 और -2 और नीचे कुछ नहीं, बेसमेंट में मतलब डोमिनेटर में तो आपका 1 लिख दिए, तो यहाँ पे 2/1। ठीक है, अब 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, तो 7 - 1 = 6 टाइम में आएगा, तो 6 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12, तो यहाँ पे -12 ज्यादा है ना, तो -12 + 7 तो -5/6, आपका d बराबर -5/6 आ गया। यहाँ तक ओके। अब सुनिए यार, अगर ऐसे में पता आपको मतलब माइनस और प्लस एलसीएम निकालने नहीं आ रहा यार, अगर आपको माइनस प्लस एलसीएम निकालने नहीं आ रहा तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते हैं, हम नहीं सिखा सकते वो वाला भी यार, कम से कम बेसिक्स थोड़ा बहुत तो आपको जाना चाहिए ना, जोड़ घटाओ ये सब आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए आगे, tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू d, आपका यह फॉर्मूला था। t8 हमें निकालना है, क्या निकालना है? t8 ना, तो a बराबर 2, n - 1, 7वां टर्म था ना, तो 7 में से गया 6 और d बराबर -5/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 7 और मल्टीपल -5, तो 7 में से 5 से गुना करेंगे तो 35, तो -35/6, तो आगे प्लस था, +2 और प्लस माइनस ब्रैकेट में अंदर ना 35/6, ये माइनस में आ गया। अब देखिएगा इस टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके समझाने के लिए लिखें, 2/1 हो गया क्योंकि 2 है नीचे कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस था यहाँ पे और आगे -35 था, तो प्लस और माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस वाला आएगा ना, तो -35/6 -35/6। अब यहाँ पे 1 और 6 का एलसीएम निकाले तो 6 आ गया, कैसे? ठीक है यार, बता देंगे, डाउट होगा ना चैट बॉक्स में मैसेज कर, सर मुना भागा नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा हुआ भी बता देंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए 1 में 6 से गुना मतलब 6 टाइम में आया ना, तो 6 × 2 = 12 और यहाँ पे 1 टाइम है तो -35, तो -35 में से +12 घटाएंगे, आंसर माइनस में ही रहेगा क्योंकि माइनस वाला टर्म यहाँ ज्यादा है, तो -23 और 6 -23/6 होगा ना। अब यह आंसर आपका आ गया, t8 बराबर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब इसका nth टर्म निकाल के दिखाते हैं, चलिए देखिएगा वीडियो में ध्यान से। यार यह आपका 5 नंबर का nth टर्म निकालने वाला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा यार। ठीक है, अच्छे से एकदम, और कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं, आराम से एकदम बिंदास होकर देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे a बराबर 2, d बराबर यहाँ पे हमारा निकल चुका था -5/6, यहां तक तो पहले भी निकाले थे। अब देखिए tn का फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे a बराबर हमारा 2 है। ठीक है, nth टर्म नहीं दिया था तो n लिख दिए -1
और डी बराबर हमारा -5/6 था, ठीक है। अब फॉर्मूला के आधार पे दो, और यहां देखिए -5 × n होगा ना, तो -5/6 को n से मल्टीपल करेंगे तो -5n/6 हो गया, और प्लस माइनस में माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो +5/6, ठीक है। अब देखिए आगे गए हम लोग, अब यह माइनस प्लस वाला टर्म आ गया, ब्रैकेट हटा ही दिए। अब 1, 6 और 6 यह तीनों का एलसीएम निकाले तो हमारा 6 आ गया, हमारा क्या आ गया 6। अब देखिए 1 में 6 टाइम पे आ रहा है ना, तो 6 × 12 6 × 2 = 12 6 टाइम में आ रहा तो 6, और 6 बार में आया तो 1 6 में 6 टाइम आया ना, तो 6 × क्या हो गया 12 6 × 2 = 12, ठीक है। अब देखिए दूसरा 6 था 1 टाइम में आ गया तो 1 × 5 आ गया, 6 यहां भी है बेस पे तो हमारा यहां भी 6 एक बार में, तो -5n, ठीक है, यहां तक ओके। अब 12 + 5 और -5n, तो 12 और 5 क्या हो गया 17, तो 17 − 5n/6 और यही आपका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान दीजिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बात और, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यह चारों क्वेश्चन एक जैसा ही है, ठीक है। तो मैं आपको 6 नंबर बता दे रहा हूं, 7, 8, 9 आप हमें बना करके भेज दीजिएगा, अगर आपसे नहीं बने आप हमें चैट बॉक्स में पूछ लेगा, सर हमसे नहीं बना, चैट बॉक्स में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी 6 नंबर समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 6 नंबर में कह रहा था क्या कि विच टर्म ऑफ एपी 147 सीरीज दिया 147 इज 55, मतलब कह रहा है क्या चीज कि एपी का जो सीरीज है उसमें 55 कौन से टर्म में आएगा, मतलब कौन सा nth टर्म इसका 55 होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम लोग का nth टर्म बोल रहा था कि 19वां टर्म फाइंड करके दिखाइए, 20वां टर्म फाइंड करके दिखाइए, यहाँ बोल रहा है 55 है लेकिन कौन सा टर्म पे आएगा वह टर्म हमें बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे tn हमें दिया हुआ है 55, nth टर्म निकालना है, बाकी d निकाल लिए, a निकाल लिए, फॉर्मूला के हिसाब से चलिए, tn बराबर a + n − 1 × d, ठीक है। यहाँ पे tn गिवन था, tn कितना दिया हुआ है 55, a बराबर 1 है प्लस n − 1, n नहीं गिवन था -1 और × d, यहाँ पे ब्रैकेट में करके d कितना हमारा निकाले हैं 3, d हमारा कितना आया है 3 ना। अब सुनिए 55 बराबर 1 + 3 में n से मल्टीपल किए तो 3n हो गया और -3, माइनस क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 55 बराबर 55 = -3 में +1 कर जोड़ देंगे तो -3 है और +1 तो -2 हो जाएगा ना, और +3n यहां तक ओके। अब देखिए क्या होता है ना, यह आपका -2 जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा, 55 के साइड चला जाएगा, 55 के साइड जाएगा अगर -2 तो वह प्लस हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा प्लस, तो 55 था ब्रैकेट के इक्वल टू के उस साइड था, इक्वल टू के उस साइड दूसरे साइड था -2, तो इधर आया तो प्लस हो गया, तो 55 + 2 55 + 2 = 3n। अब देखिए तो 57 = 3n हो गया। अब n बराबर यहां मल्टीपल में ना है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 57/3 बराबर हमारा 19th टर्म आ गया आंसर, मतलब 19th टर्म जो है वह 55 है। यह क्वेश्चन 6 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट, 7, 8, 9 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यार, 10 अलग है, कह रहा है क्या चीज कि इज 128 अ टर्म ऑफ सीरीज 6, 11, 16, मतलब यह प्लस का दिया ना इंक्रीजिंग मोड वाला, कह रहा है क्या 128 जो है वह इस सीरीज का टर्म है, क्लियर। तो यहां पे हमने कैसे बनाया ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने a बराबर 6 लिखा,
d8 2 -a1 5, यहां तक ओके। अब देखिए Tn गिवन था कि 128 होगा या नहीं, श्योर नहीं है, बोल रहा है कि Tn का वैल्यू 128 होगा या नहीं भी हो सकता। फॉर्मूला लिख दिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 128 बराबर a बराबर 6 था प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है हमारा नहीं दिया दिया हुआ है माइनस 1, और d बराबर 5, d बराबर क्या है 5, यहां तक ओके। अब सुनिए 128 बराबर 6 प्लस 5 में n से मल्टीपल किए 5 इन हो गया माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 128 बराबर 5 माइनस में इतना था और प्लस में 6 है, तो 6 ज्यादा है ना प्लस वाला, तो 6 माइनस 5 एक आ गया प्लस में और प्लस 5 n, ठीक है। अब देखिए यह 128 जो था इसका उधर साइड था बराबर की उधर साइड था ना 1 प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो गया और बराबर 5n, तो यहां पे 127 बराबर 5n। अब देखिए n बराबर आ रहा है 127/5। अब एक बात अपने मन में सोचिए, यह इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है, प्लस वाला इंक्रीजिंग मोड है, कभी भी यह कितना भी आगे बढ़ेगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा नहीं आएगा, यह इस टर्म को देखने से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग मोड में, लेकिन यहाँ पे एंथ टर्म फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो यह कभी भी हमारा सीरीज का इंटीजर्स नहीं होगा, ठीक है। यह सॉल्व हो गया क्वेश्चन, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अभी एक बात सुनिए यार, देखिए पता है हम आपका हैशटैग 1 ये था एपी का, मतलब आपका 1A का, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है, टास्क बना करके हमें फॉरवर्ड किया कीजिए यार, आप रिप्लाई दीजिएगा तब ना हमको ही पढ़ाने में लग गया कि नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप इसका प्लीज थोड़ा रिप्लाई भी दिया कीजिएगा, जानेंगे ना कम से कम। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू, ठीक है।